छाता की नगला सपेरा में गांव में विकास कार्य ना होने पर पूर्व में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार करने की अपील की थी। इसको लेकर गांव में पंचायत भी आयोजित की। घोषणा के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारियों ने नगला सपेरा के ग्रामीणों को हल्के में ले लिया और इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। ध्यान तब आया जब 18 तारीख को मतदान का दिन सामने आया, जहां नगला सपेरा के लोगों ने एकजुट होकर घोषणा कर दी कि वो मतदान का बहिष्कार करेंगे। लिहाजा गांव में बनाया गया मतदान स्थल सूना पड़ा रहा। सुबह से दोपहर होने को आई, लेकिन एक भी ग्रामीण मतदान करने नहीं पहुंचा। इससे परेशान मतदान कर्मियों ने तत्काल अपने आला अधिकारियों को सूचना दी। सुबह से एक भी मतदान न होने की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर आनंद फानन में एसडीएम छाता और सीओ छाता गांव पहुंचे, जहां उन्होंने नगला सपेरा के ग्रामीणों को विश्वास दिलाया कि विकास कार्य होगा, लेकिन वो नहीं माने। बात बनती न देखकर एसडीएम द्वारा ग्रामीणों की डीएम साहब से बात कराई गई, इस पर भी ग्रामीण नहीं माने। जब बात कुछ नहीं बनी तब जाकर जिला पंचायत अधिकारी को मौके पर बुलाया गया। जिला पंचायत अधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि आप मतदान करें, विकास की जिम्मेदारी उनकी है, तब कहीं जाकर नगला सपेरा के ग्रामीण मतदान करने को राजी हुए। लिहाजा इस गांव में दोपहर 12:30 बजे से मतदान शुरू हो सका। गांव भदावल के नगला सपेरा में जो मतदान रोका गया था, अब वो क्या स्थिति है? मतदान चालू हो गया, लोगों को समझा दिया गया, सड़क का मामला था, सड़क के समस्या के समाधान के लिए अधिकारी से बात हो गई है, मतदान चालू। सर, काफी दिन से इन लोगों की परेशानी, आखिर इनको कब तक राहत मिलेगी? राहत मिल जाएगी, अब चूंकि आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद कितने परसेंट सर अब तक मतदान हो चुका है? मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो है 2-3% हो गया है। और सर कुल मिला के बात की जाए तो टोटल मतदान इस समय कितना हो चुका है? अब यहाँ वोटर ही 393 के लगभग हैं, 393 है, उसमें जो बने हैं उसमें अलग अलग बताया जाएगा।